सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ROR की वैकेंसी कब तक आ सकती है, कब तक आएगी, कितनी वैकेंसी, कितने पोस्ट हो सकती है, एग्ज़ाम कौन कराएगा, टाइपिंग से रिलेटेड सवाल, बहुत सारी क्वेरीज APS PS को लेकर। जी हाँ, आपने जो सुना या जो देखा थंबनेल में, मैं वो सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो में बने रहें। वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी को, जितने भी व्यूवर्स हैं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि मेरे जवाबों से आप सेटिस्फाई होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हों, रेगुलर अपडेट्स के लिए, रेगुलर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कमेंट सेक्शन नीचे दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को लिखिए। नेक्स्ट वीडियोज में आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आएगी, मैं टेस्ट सीरीज आपकी फिर से शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ROR की वैकेंसी कब तक आएगी? तो फिर से आपको बताना चाहता हूँ, जैसे प्रीवियस वीडियो से मैंने बताया है, जब तक आपके CJ साहब, रेगुलर CJ का अपॉइंटमेंट, शपथ समारोह, जब तक वो चार्ज नहीं संभाल लेते, तब तक आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। क्योंकि अगर अभी तक आना होता तो आपके एक्टिंग CJ साहब ही वैकेंसी निकाल देते। काफ़ी डिले हो चुका है वैकेंसी को लेकर। ठीक है, अब आपके रेगुलर CJ साहब कब तक आएंगे? कोलोजियम ने बहुत पहले नाम दे दिया है कब शपथ समारोह दी जाएगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा विवाद फंसा हुआ है, क्योंकि इससे रिलेटेड पिटीशन डाली गई है। आपको पूरी बातें मैं बताना सही नहीं समझता पब्लिकली, लेकिन इतना समझिए कि इसमें समय और लग सकता है। देखिए क्या होता है, क्या डिसाइड होता है। इसके बाद ही आपकी वैकेंसी होगी। 2024 की पहली वैकेंसी आपकी APS और PS की होगी। APS PS की कितनी वैकेंसी हो सकती है, ये बताना चाहता हूँ। 120 और 80, 120 प्लस 80 इज इक्वल टू 200। ठीक है, 5400 ग्रेड पे ये हो गया, 4800 ग्रेड पे ये हो गया। 4800 ग्रेड पे आपका APS होता है, 5400 ग्रेड पे आपका PS होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार डायरेक्ट 5400 ग्रेड पे आपकी वैकेंसी आ रही है। APS को हालांकि इन्होंने खत्म कर दिया था, लेकिन APS की वैकेंसी ये लोग निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ UP गवर्नमेंट से, हालांकि पूरी बात बताना मैं सही नहीं समझता, बस इतना समझिए कि APS और PS की वैकेंसी आपकी आ रही है। ठीक है, 200 के आसपास। अब 120 आपकी PS जो मैंने बताई, वो APS भी हो सकती है। 80 जो मैंने आपको APS बताया, वो PS भी हो सकती है, मतलब ये वाइस वर्सा है, लेकिन वैकेंसी आपकी टोटल 200 ही रहेगी। ठीक है, दूसरी बात, ROR की कितनी वैकेंसी हो सकती है? तो 400 से लेकर 450 तक आपकी ROR की वैकेंसी हो सकती है। क्योंकि आपकी किस्मत खराब थी, इसलिए आपकी ARO की वैकेंसी ज़्यादा है और RO की वैकेंसी कम है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे RO बनना चाहते हैं, तो RO की वैकेंसी आपकी कम है, क्योंकि आपकी किस्मत खराब है। ठीक है, अब अपनी किस्मत का दोष दीजिए कि क्यों वैकेंसी आपकी लेट हो रही है और क्यों कम हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो ये हो गया। अब आपका एग्जाम कौन करा रहा है, उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है 80 APS आपकी वैकेंसी आ रही है, तो शायद इसमें से हिंदी की कुछ वैकेंसी हो, क्योंकि 6-7 वैकेंसी इसमें हिंदी की भी हो सकती है। ठीक है, बाकी डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास है। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा रिलीफ है। अब एक बात और कि आपका एग्ज़ाम कौन कराएगा, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो से मैंने बताया था कि शायद NTA आपका एग्ज़ाम ना कराए, लेकिन अब उम्मीद यही लग रही है कि NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही आपका एग्ज़ाम कराएगी। क्योंकि भारत का लगभग हर दूसरा एग्ज़ाम NTA ही करा रहा है। आपने देखा होगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट NTA करा रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट NTA करा रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी NTA करा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि सारे हाईकोर्ट के एग्ज़ाम NTA ही कराएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स पिछली बार एग्जाम दिए थे, आपको NTA का पैटर्न पता होगा, टाइपिंग का कैसा पैटर्न होता है सब पता होगा। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करिए, परसेंटाइल के लिए तैयार रहिएगा। भगवान से दुआ करिए कि आपकी जो शिफ्ट हो वो टफ हो। क्यों क्यों, अब आपके मन में सवाल आया तो इसका आंसर देना चाहता हूँ। क्योंकि 400 से 450 फॉर्म आपको ROR के मिलेंगे, गिरी से गिरी हालत में 4 लाख फॉर्म फिल होंगे। क्यों? क्योंकि आपको या तो लखनऊ या तो इलाहाबाद शहर पोस्टिंग मिल रही है। 4600 या 4800 ग्रेड पे गजेटेड ऑफिसर आप बन रहे हो डायरेक्ट एक एग्जाम देकर। ठीक, इसके अलावा पेट की अनिवार्यता इसमें नहीं है। ठीक है, कोई बंदा अगर सिविल की तैयारी कर रहा है तो उसका भी एक वो होता है, स्टेटस, एक लेवल होता है कि हम एटलीस्ट 4600 एटलीस्ट 4800 ग्रेड पे तो पा जाए। तो 4 लाख फॉर्म अगर फिल होता है तो 4 लाख को आप डिवाइड करिए 400 से, और फिर देखिए एक सीट पे कितनी वैकेंसी, मतलब एक सीट पे, एक वैकेंसी पे कितने लोगों की फाइट है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ, समय का सदुपयोग करिए, इस बार आपको कोई गलती नहीं करनी है। और ये समय है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों को 12th पास मूवी अच्छी लगी होगी। ठीक है, क्या सही है क्या गलत आपको नहीं पता। 12th पास जैसी मूवीज़ आपको बहुत देखने को मिलेंगी, आपकी ज़िंदगी पूरी पड़ी है। आप 28 साल के आज हो, दोबारा आप 28 साल के नहीं होगे अपनी पूरी लाइफ में। आप दोबारा 30 साल के अपनी लाइफ में दोबारा नहीं होगे। ठीक है, करोड़ों संपत्ति पूरे, मतलब आप करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे, लेकिन आप बीता हुआ समय वापस नहीं ला सकते हो। ठीक है, ना ही आज तक कोई साइंटिस्ट पैदा हुआ जो बीता हुआ समय वापस लाए। ठीक है, तो जो हकीकत है, इसी हकीकत को सोचते हुए ये आपको मैंने आपको बता दिया है कि आपको कितनी फाइट करनी है और कमर कसनी है, और ये हकीकत रियलिटी आपको मैं दिखा दिया हूँ। ठीक है, तो इस समय का सदुपयोग करिए, परसेंटाइल के लिए तैयार रहिए, भगवान से दुआ करिए कि आपकी शिफ्ट टफ हो। शिफ्ट टफ का मतलब ये होता है कि टॉपर के नंबर कम होते हैं, तो आपके टफ शिफ्ट में आपको 160 नंबर मारना है। आसान शिफ्ट अगर मिलती तो आपको 185 नंबर से नीचे नहीं मारना है। फिर ये मत कहिए कि सर हमारी शिफ्ट बहुत आसान थी लेकिन हम 170 नंबर लाए, क्योंकि 170 में आप बाहर।
आसान शिफ्ट है तो उसमें 180 185 से नीचे नहीं आना, टफ शिफ्ट है तो 160 नंबर लाना है। टाइपिंग में 49 50 नंबर से नीचे नहीं आना, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। टाइपिंग आपको पहले सबमिट कर देना है, फाइनल 20 मिनट का आप वेट मत करिएगा, पहले सबमिट करना है, ठीक है। ये बातें, इसके अलावा ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आ सकती है इसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। कब तक आपकी ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी आ सकती है, ये अभी तक हो सकता है इस साल वैकेंसी आपकी ना आए, बाकी देखा जाएगा आगे क्या होता है। एक और सवाल जो स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे थे, बताना चाहता हूँ मैं आपको कि सर एज कैप से एज कैलकुलेशन कब से होगी, क्योंकि अभी तक इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी में 1 जुलाई से कैलकुलेट होता था, तो कब से एज कैलकुलेट होगी? तो इसका उत्तर जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी हुई है उसको भी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। और आपको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, फाड़ दीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, आपको जॉब लेनी है बाई हुक एंड क्रुक। UPSC RO का फॉर्म लगा हुआ है, एग्जाम लगा हुआ है, कमर कस लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।